अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ पालक, चुकंदर और गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही हेल्थी डाइट है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वार्टर कप मैंने तेल डाल दिया है, तेल थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को चॉप कर दिया है, आप बारीक स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। अब इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूंगी। 1 टीस्पून मैं चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल रही हूँ। वैसे तो गोश्त के अंदर अदरक लहसुन डला हुआ है, लेकिन मैं खुशबू के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल देंगे तो इसके अंदर से खुशबू अच्छी आ जाएगी। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच पानी डाल दूंगी, ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाए और प्याज हमारी ज़्यादा लाल ना हो। आधी चमची में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 चमची हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 4 चमची मैंने धनिया पाउडर डाला है। इन सबको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ी मिर्ची डाली है क्योंकि मैं इसके अंदर ज़्यादा हरी मिर्चें डालूंगी, इसलिए मैंने लाल मिर्चें कम डाली। आधी चमची मैं नमक डाली हूँ, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तकरीबन 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है, मसालों का कच्चापन खत्म हो चुका है। अदरक लहसुन के साथ पकाकर मैंने इसे फ्रीज किया था, ये फ्रीज़र से निकाल के दोबारा से फ्रीज किया हुआ गोश्त है। इसकी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गोश्त को मैं पूरा डायरेक्ट इसके अंदर डाल दूँगी। इसे मैंने फ्रीज़र से निकाल कर थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया था, देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बर्फ़ लगा हुआ है, लेकिन ये खुद ही इसके अंदर घुल जाएगा। 2 से 3 मिनट मसालों के साथ इसे भून लेंगे। 2 मिनट हो गए इसे मैंने भून लिया है, मैं चूल्हे की फ्लेम को दोबारा से लो कर दूंगी। ये 1 पाव चुकंदर है, इसको मैंने छीलने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ये इसके अंदर डाल दूंगी। 7 हरी मिर्चें हैं, आप अपनी मर्जी से हरी मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1/2 गिलास पानी डालूंगी। बस मैंने 1/2 गिलास के अंदर पानी डाला है, पानी डालकर भी इसे मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर उबाल आने तक पकाऊंगी। इसके अंदर उबाल आ चुका है, चूल्हे की फ्लेम को दोबारा से मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ये पालक डालूंगी। पालक के पत्तों को मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस कर लिए, फिर इसके अंदर डाल दूंगी। ये 1 किलो पालक थी, उसको मैंने डंडियाँ काट कर उसको बनाया है, तो ये थोड़ा सा कम हो गई होगी। ये काटने से पहले ये 1 किलो थी, कटने के बाद ये थोड़ी कम हो गई होगी। इसे कवर कर दूंगी और थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। ये पालक खुद ही सॉफ्ट होकर नीचे हो जाएगी। इसे चेक कर लेते हैं, पालक सारी सॉफ्ट हो चुकी है और पालक ने अपना पानी भी छोड़ दिया। मैंने 1/2 गिलास पानी डाला था क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी 40% गला हुआ है। आप अगर कच्चे गोश्त से बनाएंगे तो उससे आप गोश्त के गलने के हिसाब से आप पानी ऐड करिएगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूंगी और लो करके मैं गोश्त के और पालक के गलने तक पकाऊंगी। उसे चेक कर लेते हैं, देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने गोश्त जो है वो 1 किलो इस्तेमाल किया है, अदरक लहसुन में पका हुआ गोश्त इस्तेमाल किया है जो कि 40% तक गला हुआ था। अगर आप कच्चा गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उसको 5 मिनट तक पहले अदरक लहसुन में फ्राई कर लीजिएगा और फ्राई करने के बाद सारे मसाले डाल दीजिएगा और डालने के बाद मसालों को भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लीजिएगा ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए मसालों का। उसके बाद पालक, चुकंदर और मिर्ची जो भी डालना है वो आप डाल दें और उसके अंदर इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। मैंने लो फ्लेम पे इसे पकाया था, अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसकी फ्लेम को तेज़ किया है ताकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए।
देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है, इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस इतना ही इसे रखूँगी। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूँगी ताकि इसका सारा तेल ऊपर आ जाए। लो फ्लेम पे मैं 3 से 4 मिनट इसे पकाऊंगी कि सारा तेल ऊपर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट हो गए, ये देखिए सारा तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल किसी के साथ भी ले सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी डाइट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।